तजिया जी प्रोग्राम मुख्तसर वक्त में चूंकि रखा गया है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये ऐलान था और मैं दो मिनट के अंदर अपनी बात करके आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। क्योंकि मुख्तसर बात यह है कि हम सब लोगों ने, तमाम ताजर भाइयों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने और तमाम शोभा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हमें अपनी सफों में इताद पैदा कर रहा है। इताद से जुर्रत और बहादुरी और दिलेरी के साथ इस तारीख को एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लेके चलना है। क्योंकि इस तारीख को चलते हुए एक तवील वक्त गुजर गया और मैं समझता हूं कि आज ये तारीख कई नाकाम होती है तो सदियों तक हम कोई किसी तारीख का ना आगाज कर सकते ना किसी प्लेटफॉर्म पे हम मुनज़्ज़म अंदाज में जदोजहद कर सकते। यही हमारा पास ये वक्त है कि हम अपनी सफों में इताद पैदा करें और जुर्रत के साथ इस तारीख को लेके आगे चले। क्योंकि ये किसी फर्द-ए-वाहिद का मसला नहीं है, ये मेरा मामला नहीं है, ये सदर तंजमन ताजरान का मसला नहीं है, ये किसी और सियासी कायदीन का मसला नहीं है, जो हर आम आदमी का मसला है और हमने अपनी सफों में इताद पैदा करना है। क्योंकि वक्त बहुत कम है, आज बहुत नमाज़े जनाज़ा भी हमने 3 बजे पढ़ने हैं, इसलिए मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि 30 अप्रैल की जो 30 अप्रैल तक जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो डेडलाइन दी है, 30 तारीख तक जिसने मुज़ाकरात करने हैं, जिसने बैठ के बात करनी है तो करे, नहीं तो उसके बाद इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर के कोने कोने से ये अवामी समुंदर निकलेगा और इंशाअल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च करेगा और फिर तमाम मस्त कलंदर होगा और इनकी चीखें निकलेगी, फिर ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि रियासत की रिट वो कायम होती है जो बुनियादी हकूक दिए जाते हैं, या तो 10% भी इन लोगों को बुनियादी हकूक नहीं दिए जाते हैं। ये मैं समझता हूं कि हमने अपनी सफों में इताद पैदा करके इस तारीख को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लेके चलना है। दूसरी बात ये मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ बैंक में ये जो खैगला हमारे जो बैंक है, यहाँ ATM में भी प्रॉब्लम होती है, दूसरे दिन प्रॉब्लम होती है, यह लेने लगी रहती है। हम तमाम जिम्मेदारों के जो जिम्मेदार आ रहे हैं उनको मुतनबे करना चाहते हैं कि आप दर्द का जो दौरानिया है वो पड़ गया है, अब जो चीख निकलेगी वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं इन अल्फाज से इजाजत चाहूंगा आप सब लोगों के इस यकीन के साथ कि आप लोग अपनी सफों में इताद पैदा करेंगे, जुर्रत और दिलेरी और बहादुरी के साथ अपनी पुरानी रवायात को बरकरार रखते हुए इस तारीख को लेके आगे चलेंगे। वो आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।